मुझे लगता है आप सोच रहे होंगे कि ये नाम हमने रखा क्यों, वाहू ओरिजिनल्स। इसके पीछे एक रीजन है, आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो रीजन आखिर है क्या। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाहू ओरिजिनल्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है वाहू। आज मैं आपको बता रही हूँ कि वाहू जो है वो तीन जगह पे यूज़ होता है, तीन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो पहला है वो है वाहू एज अ वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन। एज अ वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम इसको वाहू को यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ आपको तो वाहू मॉम आई वन द मैच टुडे। जो बच्चा अपनी माँ को ये बात बोल रहा है वो बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए उसने इस वर्ड का यूज़ किया है। अब जो मैं आपको दूसरी चीज़ बताने जा रही हूँ वो है वाहू फिश। वाहू फिश को हम जो है वो हवाई में ओनो के नाम से जानते हैं और ये स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में मिलती है। ये फिश की अगर हम बात करें तो जो फिश होती है ये बहुत पतली और लंबी होती है। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो करीब 8 से 9 साल का होता है और जब ये पूरी मैच्योर हो जाती है, पूरी बड़ी हो जाती है, तो इसकी जो लंबाई है वो करीब 5.5 से 6 फीट की होती है और जो इसका वेट है इस मछली का, वो जो वेट है इसका वो अप्रॉक्स जाता है 55 से 60 केजी के आसपास। इसे लोग जो है वो अपने शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इसका जो बॉडी का शेप है वो पतला और लंबा होने की वजह से इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम इसके मुंह की बात करें तो इसका मुंह जो है वो लंबा होता है। और अगर हम इसके स्वाद की बात करें तो इसका टेस्ट भी जो है वो लोग बहुत पसंद करते हैं। इसका जो मीट होता है वो वाइट कलर से धुंधला तक का ग्रेइश होता है और लोग इसको खाते हैं। इस मछली में हमें विटामिन B6, विटामिन B12 और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे लोग जो है वो खाना प्रेफर करते हैं। और इसी के साथ अब जो मैं आपके साथ तीसरी चीज़ वाहू के नाम से शेयर करने जा रही हूँ वो है वाहू ट्री। वाहू ट्री जो है हमारा वो इंडिया में नहीं मिलता है, ये हमारा टेक्सस की तरफ पाया ज़्यादा जाता है। लोग वहाँ पे इसे अपने घर के बाहर लगाते हैं और इसकी जो हाइट होती है वो करीब 8 से 10-12 फीट की होती है और ये एक बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है, ये श्रब होता है। और अगर हम वाहू के फलों की बात करें, उसके फूलों की बात करें, तो इसके फूल जो होते हैं वो हल्के गुलाबी से लाल रंग के होते हैं। इसके फल जो होते हैं वो भी डार्क रेड कलर के होते हैं और इसके जो सीड्स होते हैं, इस फल में सिर्फ एक ही सीड होता है और इसके जो सीड होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए, इंसानों के लिए पॉइजनस है। बट हाँ, इसको जो दूसरे जानवर और चिड़िया जो है वो खा सकते हैं और लोग इन्हें जो है वो खाते नहीं हैं। सो ये हुए हमारे तीन चीज़ें। पहला जो था हमारा तो वाहू एज एन एक्सप्रेशन हम इसे यूज़ करते हैं, दूसरा था हमारा वाहू एज अ फिश, वाहू मछली, और तीसरा जो था हमारा था वो वाहू ट्री, और जो चौथी चीज़ है वो है हमारा चैनल वाहू ओरिजिनल्स। वाहू ओरिजिनल्स का अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट डालना मत भूलिए और साथ ही साथ इस वीडियो को देखते साथ ही इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।